हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का लेसन 6 पढ़ेंगे और उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है लैंड स्लाइड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लैंड स्लाइड्स में क्या होता है, द वेरी बिग मार्क्स डेब्रीज द गोइंग टू द बॉटम साइड, यानी ऊपरी सतह का जो भी हमारे जो प्लेट्यूज हैं, जो टॉप प्लेस हमारे हैं माउंटेन्स के प्लेटू के, यहाँ पर क्या होता है, जो वेरी लार्ज मार्क्स मूवमेंट, यानी बड़े आकार पर जो है क्या होता है, लैंड स्लाइड्स होता है, यानी चट्टाने खिसक कर ऊपर से नीचे कर आती है। ठीक है, टॉप टू द गोइंग टू द बॉटम साइड, यानी पृथ्वी के नीचे की ओर। ठीक है, तो ये कुछ जो लैंड स्लाइड्स जो होता है इसमें कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कैसे होता है लैंड स्लाइड, देखिए आप फर्स्ट को, जितना भी जो ये डेब्रीज हैं, मलबा है, जितना भी जो डेब्रीज है ये मलबा है, ये क्या है, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एयर, ठीक है, बाय करंट्स, बाय स्नो, यानी ये जितना जो मलबा है पवन के द्वारा, ठीक है, जल के द्वारा और बर्फ़ के द्वारा या धाराओं और लहरों के द्वारा जो है, इसका जो है क्या होता है, इसमें द इंक्रीज ऑफ वेट, इसका भार बढ़ जाता है। जैसे लाइक जब रेनफॉल होता है तो इस जो डेब्रीज है इसका वेट में इंक्रीज, इसका भार में बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, ग्रेविटी, गुरुत्व, तो जब गुरुत्व जब इंक्रीज हो जाता है तो जैसे जब डेबरी जब जो है ये इसका वेट के अंदर इंक्रीज, ठीक है, ये इसका जो है भार बढ़ रहा है, सडन दे आर गोइंग टू द बॉटम साइड एंड डेट इज़ अ लैंड स्लाइड। ठीक है, तो चट्टानों का एक बड़ा भाग या पर्वतों का या पठारों का एक बड़ा भाग टूट कर जब नीचे की ओर अचानक और तीव्र गति से नीचे की ओर आता है, इसे हम लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सडन एंड द वेरी रैपिडली द मार्क्स ऑफ डेब्रीज गोइंग टू द बॉटम साइड और अ फुट हिल्स, यानी नीचे की ओर जब आ रहा है पर्वतों के नीचे, तो ये क्या है, सडन अचानक, तो ये क्या है, लैंडस्लाइड से। ठीक है, तो लैंडस्लाइड्स में भी क्या होता है, यदि हम देखें इस चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्लम्स इज स्लिपिंग और वन ऑफ द सर्वल यूनिट्स एंड रॉक्स डेबरीज विद अ बैकवर्ड और रोटेशन विद द रेस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर द विच एंड द मूवमेंट एंड द टेक प्लेस। ठीक है, फिर देखिएगा रैपिडली रोलिंग और सिकिंग ऑफ द अर्थ डेबरीज विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मार्क्स एंड नाउन एज द डेबरीज स्लाइड्स, इसे मलवा स्कलन भी कहते हैं। तो ये जो लैंड स्लाइड्स होता है, ये जो डेब्रिज स्लाइड्स होता है, डेट इज़ ऑल्सो नॉन इज लैंड स्लाइड्स, इसे जो है हम भूस्खलन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेजर जो एलिमेंट्स है ये कैसे हो रहा है, बाय वाटर, विंड, ठीक है, फिर इसके बाद स्नो, फिर ग्रेविटी, फिर करंट्स, ठीक है, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, बर्फ, हिम के द्वारा, गुरुत्व के द्वारा एंड करंट्स, लहरें या फिर धाराएं। ठीक है, अब सडन इसमें क्या होता है, एक नया एक एलिमेंट हम जोड़ सकते हैं, वो है एंगल, कोण, और इसको हम स्लोप भी कह सकते हैं। ठीक है, ढाल, तो ये 6 एलिमेंट्स है हेल्प ऑफ द लैंड स्लाइड्स, ये जो है भूस्खलन की मदद करते हैं, जो 6 तत्व जो है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 एलिमेंट्स ये क्या कर रहे हैं, दे स्टार्टिंग द हेल्पिंग टू द लैंड स्लाइड, ये जो है भूस्खलन होने में जो है इसकी सहायता कर रहे हैं, और इस तरह से जो है हमारी पृथ्वी पर जो है लैंडस्लाइड होना शुरू हो चुका है, यानी ये इस एंगल से। तो अबाव 45 डिग्री एंगल दे ऑल डेब्रीज गोइंग टू द बॉटम साइड, यदि ढाल या कोण पहाड़ी क्षेत्रों का 45 डिग्री से ऊपर है, यानी अधिक, ठीक है, 45 डिग्री से अधिक है, तो ये जितने जो डेब्रीज जो हैं, जितना भी जो लैंडस्लाइड दे गोइंग टू द ईजी वे टू द बॉटम साइड, यानी अगर 45 डिग्री से ऊपर का कोण है, अगर हम देखें मोस्ट ऑफ 45 डिग्री एंगल, तो ऑल डेब्रीज गोइंग टू द बॉटम साइड,
नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यदि हम देखें इसमें तो क्या होता है, किसी भी तीव्र ढाल के सारे शैल खंडों का ढाल के दूसरी ओर रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन भी कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रॉक फॉल भी कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट यदि हम देखें इसमें और यदि हम जाने इसके बारे में, तो देखिए इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको जो चीज़ें हैं इसमें। देखिए आप, ऑल दिस कंटेंट दे आर मेजर एलिमेंट लाइक, जैसे मैंने बताया आपको वाटर बताया, विंड बताया। ठीक है, इस तरह से देखिए इसमें और भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखिए आप, रॉक फॉल इज द फ्री फॉलिंग ऑफ द रॉक ब्लॉक्स और एनी स्टीप स्लोप कीपिंग इटसेल्फ अवे एंड फ्रॉम द स्लोप एंड रॉक फॉल अक्योर फ्रॉम द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द रॉक। यानी जो है चट्टानें जो लटक रही हैं ऊपर की ओर, सडन वो क्या है नीचे की ओर आ रही है, तो उसे शैल पतन यानी रॉक फॉलिंग भी कहते हैं, रॉक फॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, अ पार्ट ऑफ लैंडस्लाइड, ये भूस्खलन का ही एक भाग है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें ये तो हो गया हमारा लैंडस्लाइड, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए आप, आपके इरोजन एंड क्या देखेंगे, डिपोजिशन। इसे कहते हैं अपरदन, पर्दन, और इसे कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक है, तो डिपोजिशन एंड इरोजन। ठीक है, तो हम इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, इरोजन इन्वॉल्व्स एक्यूबुलेशंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉक डेब्रिस। ठीक है, अपरदन के अंतर्गत शैल के मलबे को जो है और उनको जो है ये परिवहन का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, अगर हम देखें, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो ये देखिए, तो जो हमारा इरोजन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऑल डेब्रिस गोइंग टू द ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी जो है ये चट्टान के मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जा रहा है। ठीक है, एंड द प्रोवाइडर फैसिलिटी ऑफ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, यानी अपरदन क्या कर रहा है, एक यातायात की सुविधा दे रहा है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, वाटर फर्स्ट वन, सेकेंड वन आपके विंड, एंड थर्ड स्नो, जल, वायु और बर्फ। ठीक है, तो ऑल डेब्रिस एंड द पेबल्स एंड द स्टोन पार्टिकल गोइंग टू द ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर, विंड एंड स्नो। यानी अपरदन क्या कर रहा है, चट्टान के जो मलबे को जो है वही चट्टान के मलबे को जो है जल के द्वारा, वायु के द्वारा और बर्फ के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इरोडेट अपरदन करके यानी काट करके क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन एंड गोइंग टू द अनदर प्लेस। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है ये सभी मलबे को जो है ये जो है अपरदन दूसरी तरफ जो है ये जमा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, अगर हम देखें यहाँ पे, तो इरोजनल जोमॉर्फिक एजेंट ऑफ बाय रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स एंड वेव्स और रिमूव एंड द ट्रांसपोर्ट इन द अदर प्लेस टू द बेंडिंग ओपन ऑफ द डायनेमिक ऑफ ईच ऑफ द अदर दिस एजेंट। क्लियर, तो एब्जॉर्बेंट द बाय रॉक डेब्रिस कैरिड बाय द दिस जोमॉर्फिक एजेंट्स ऑल्सो एड्स ऑफ ग्रेटली ऑफ इरोजन एंड बाय द इरोजन ऑफ लीफ डिग्रेड्स एंड द लैंडस्केप इज वार्म डाउन। और धीरे धीरे जो है जो हमारी सतह जो है वो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए पहले इसका टॉप फॉल, ठीक है, तो
तो एरोजन दे डिक्रीज ऑफ हाइट्स, क्लियर, ऑफ द लैंड सरफेस, यानी अपरदन क्या करेगा, पृथ्वी पर जो सतह है उसको क्या है, दे आर डिक्रीज, उनकी ऊंचाई को वो कम कर देगा, फिर और कम हो जाएगा। तो जितना जो डेब्रिज जो है दे आर डिपोजिट ऑफ द अनदर प्लेस, क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट यानी एरोजन क्या कर रहा है, जितनी जो सतह है उसको क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जो क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ प्री कंडीशन फॉर द एरोजन टू द टेक प्लेस एंड द वेदरिंग मास वास्टिंग एंड द एरोजन आर द ग्रेडेशनल प्रोसेस, ठीक है। उसके अलावा ये एक अपरदन नहीं, अपक्षय भी जो है क्या कर रहा है, और पृथ्वी के भूभाग को जो है वो काटछाट कर रहा है। दे आर रिप्रेजेंट थ्री स्टेट ऑफ द मेटा ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो ये एरोजन किस फॉर्म में हो रहा है, वाटर्स लिक्विड एंड स्टोन, ठीक है। इस तरह से हम देखें यहाँ पर गैसियस यानी विंड, लिक्विड एंड द सॉलिड यानी ग्लेशियर। द एरोजन कैन बी आर डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद द एजेंट ऑफ द सर्फेस एंड द लैंड अमॉन्ग विच ऑफ दिस मूव्स। काइनेटिक एनर्जी इज कम्प्यूट एज के ई वन अपॉन ऑफ टू एन एम वी टू, वेयर इज द एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी, ठीक है। तो जितना जो हमारा जो काइनेटिक ऊर्जा है, ठीक है, यहाँ पर देखें हम वन अपॉन एम वी स्क्वायर, ये क्या है हमारा एक फार्मूला है जिससे हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक जो एनर्जी है हमारा उसको हम कर रहे हैं। तो m तो क्या हो गया, मास वृत्ताकार में, v मतलब वेलोसिटी, ये देखिए आप वेलोसिटी, ठीक है, यानी वेग, ठीक है। तो जितना भी डेब्रिज ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ देखिए आप ये क्या है, मास m, और ये किस वेलोसिटी से क्या है नीचे कर रहा है, ये क्या है v गति, वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से भी हम जो है सो जो है हम जान सकते हैं, क्लियर। तो हम अब देखें आगे और देखें इसके अंदर, तो यदि हम देखें तो इसमें ये जो फार्मूला इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए आप जो हमारे जो सेकंड जो एजेंट्स जो हैं, ठीक है, हैंस द एनर्जी अवेलेबल ऑफ द परफॉर्म विल बी आर डिपेंड ऑन द मास ऑन द मटेरियल एंड द वेलोसिटी विद द विच ऑफ द मूविंग, ठीक है। इन द वर्क ऑफ अदर टू एजेंट एरोजन वेव्स एंड ग्राउंड वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है हमारे, एक तो ग्राउंड वाटर हो गया, फिर ग्लेशियर हो गया, दे आर स्टार्टेड ऑफ द लैंडस्लाइड्स और एरोजन, ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे एरोजन के पार्ट है, क्लियर। तो यदि और भी हम देखें इसके अंदर, और भी हम चलते हैं तो देखें इसके अंदर और भी हमें चीज़ हमें पता पड़ेगी ताकि हम उसकी और भी जानकारी ले सकें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डिपोजिशन, जमाव, ठीक है। ठीक है, तो डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, ठीक है, निक्षेपण अपरदन का ही परिणाम है, ठीक है। यानी इसकी जो लास्ट स्टेट क्या है, डिपोजिशन, क्लियर। ये मास मूवमेंट जो है ये क्या हो रहा है, गोइंग टू द अनदर प्लेस एंड दे आर डिपोजिशन, क्लियर। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेज हो गया और ये लास्ट स्टेज, पहला चरण और ये अंतिम, ठीक है। एरोजन हमारा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है, डिपोजिशन, लास्ट स्टेज है हमारा ये, ठीक है। तो डिपोजिशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन, यानी इसका ही परिणाम है, ठीक है। अब ये डिपोजिशन कब होता है, जब हमारा स्लोप, फर्स्ट क्या होगा,
स्लोप, जब ढाल कम हो जाएगा, ठीक है, यदि अब बिलो 45 एंगल 45 डिग्री कोण से कम, जब हमारा स्लोप कम हो जाएगा, दे स्टार्टिंग द डिपोजिशन, ठीक है, क्लियर। तो डिपोजिशन कहाँ होगा, जहाँ पर ढाल कम हो जाएगा वहाँ पर जो है धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, लाइक फिजिकल बैरियर, ठीक है, बाधा, कोई चट्टान आ गई बीच में, कोई काफ़ी टॉप, कोई जो है रॉक्स आ गई इन द वे, रास्ते के अंदर, तो फिर क्या होगा, डिपोजिशन, जमाव हो जाएगा, और जिस जमाव से क्या होगा, धीरे धीरे जो है ये सेलिमेंट्स जमने लगेंगे। कैसे लगेंगे, अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए काफ़ी बड़ी चट्टान है, ठीक है, इस रास्ते अंदर, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये जमा होगा और ये वाटर जो है सेकेंड यहाँ से ये फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यदि कोई बैरियर आ गया तो यह क्या है, स्टार्टिंग ऑफ डिपोजिशन, यानी जमा होना शुरू हो जाएगा। यानी ये डिपोजिशन के लिए क्या होना चाहिए, एक तो स्लोप होनी चाहिए बिलो 45 एंड स्टार्ट ऑफ द लाइक फिजिकल बैरियर, ये भी होना अति आवश्यक है, और फिर क्या होगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो निक्षेपण क्या है, किसी कार्य का कार्य नहीं होता, उसमें स्थूल बाद में स्थूल प्रधान निक्षेपित होता है, और निक्षेपण में निम्न भूभाग भर जाते हैं, और वहीं अपरदन कार्य जैसे प्रभावयुक्त जल, हिमानी, वायु, धारा, भूमिगत इत्यादि तलोचन निक्षेपण के कार्य के रूप में भी कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो डिपोजिशन जो है, ठीक है, इसमें फिर और देखें हम इसमें आगे और बताते हैं आपको, ठीक है। डिपोजिशन द फर्स्ट इन द फाइनल वंस ऑफ लेटर बाय द डिपोजिशन ऑफ डिस्प्रेशन गेट अ फील्ड अप, यानी क्या कर रहा है, डिपोजिशन गेटिंग द फील्ड अप, यानी जो है खाली भूमि को ये भर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें हम आगे, द सेम इरोजन एजेंट वाया रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर एक्ट एज एग्रेडेशनल्स ऑफ द डिपोजिशन एजेंट ऑल्सो, ये सभी क्या है, उसी के प्रकार हैं। तो इस तरह से जो है मैंने आपको लैंडस्लाइड्स बताया आपको, फिर इरोजन बताया, और फिर डिपोजिशन बताया, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और इरोजन लैंडस्लाइड जो है ये काफ़ी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन में भी आता है, तो एज ए होमवर्क आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड्स पे आप छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और ये विद इन 2 मार्क्स 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, यानी 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है हमारे लिए लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 का लेसन 6 का जो है सॉइल फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दे आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ, क्लियर। तो ये मानव का एक अभिन्न अंग है और काफ़ी महत्वपूर्ण भाग जो है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। यू आर द सी प्लांट ग्रोइंग ऑफ द सॉइल, आपने देखा होगा कि जो है पौधे जो हैं उनको बढ़ते हुए देखा होगा आपने, ठीक है। यू प्ले द ग्राउंड एंड द कम ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल्स, और आप जब खेलते हुए मिट्टी के संपर्क में भी आए होंगे, ठीक है। एंड टच द एंड द फील ऑफ द सॉइल, यूर क्लॉथ एंड द व्हील ऑफ प्लाइंग एंड कैन बी आर डिस्क्राइब बेटर, और फिर आपने मृदा को छूते हुए उसको अनुभव करते देखा होगा, और आपके कपड़ों पर जो है मिट्टी लग जाती होगी, कैसा अनुभव होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यदि हम देखें अब पैडोलॉजिस्ट मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है, व्हाट इज द सॉइल, अब मैं बता रहा हूँ आपको अकॉर्डिंग टू पैडोलॉजिस्ट, ठीक है, मृदा विज्ञान जो शास्त्री हैं उनके बारे में, हु द स्टडी सॉइल्स डिफाइन एंड सॉइल एज द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस कंटेनिंग अ लिविंग मैटर एंड द सपोर्टिंग ऑफ अ कैपेबल फॉर द सपोर्टिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या है, मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधे पोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। दे आर द कैपेबल ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, यानी क्या है, इसमें क्षमता होती है, ठीक है। तो यदि हम देखें, सॉइल इज द डायनेमिक मीडियम इन द विच ऑफ मेनी केमिकल्स, फिजिकल्स एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज गो ऑन कंस्टेंसली, ठीक है।
मृदाएं क्या है, गत्यात्मक माध्यम है जिसमें बहुत सी रासायनिक भौतिक और जैविक जो है क्रिया अनवरत चलती रहती है और मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिणाम है, ये वृद्धि का माध्यम भी है। ठीक है, ये एक परिवर्तनशील विकासोन्मुख तत्व है और इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। ठीक है, सॉइल्स के जो कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट वो क्या हो रही है, दे आर चेंजेस। ठीक है, तो अलग अलग क्लाइमेट के अंदर क्या, दे आर फाउंड ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, यानी आपको अलग अलग जलवायु के अंदर जो है अलग अलग तरह की मिट्टियाँ मिलेगी आपको। ठीक है, तो क्लाइमेट टोटली ठीक है, सॉइल डिपेंड ऑन क्लाइमेट, ये जैसी जलवायु होगी वैसी क्या होगी, वहाँ पर मिट्टी होगी। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको ग्लेशियर, यहाँ पर कुछ सॉइल्स अलग टाइप्स की आपको मिलेगी, थार डेजर्ट आपको यहाँ पर सॉइल्स जो है अलग प्रकार की मिलेंगी, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ठीक है, उसके अलावा और हम देखें तो नियर द कोस्टल एरिया, तो यहाँ पर भी आपको क्या, दे आर फाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, लाइक डेकन प्लेट्यू दे आर फाउंड ऑफ ब्लैक सॉइल्स। ठीक है, एंड दे आर वेरी डिफरेंट ऑफ फीचर्स ऑफ दिस सॉइल्स, यानी इस मिट्टी की अलग अलग जो विशेषताएँ होती है। ठीक है, तो सॉइल डिपेंड ऑन क्लाइमेट, यानी जलवायु पर जो है मिट्टी आधारित होती है, यानी जहाँ पर जैसी जलवायु होगी वहाँ पर वैसी ही मिट्टी आपको पाई जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे की और। ठीक है, तो क्लियर, तो इस सॉइल्स में क्या है, देखिए हम आगे और चलते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड स्लोड और द स्टॉप इन द सॉइल्स बिकम ऑफ टू कोल्ड एंड टू ड्राई एंड द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ इंक्रीज व्हेन द लीव्स फॉल और द ग्रासेस डाई। ठीक है, यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं, घास सूख जाती है, तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके जो सॉइल्स की जो फर्टिलिटी है ये क्या होता है, यदि में हमारे जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जैसे लाइक लीव्स पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, लाइक स्मॉल ब्रांचेस लाइक स्मॉल ग्रासेस, जब ये खत्म हो जाती है दे आर डिस्ट्रॉय एंड सडन दे आर मर्ज टू द सॉयल, ये मिट्टी के अंदर मिल जाती है, एंड सडन द सॉयल फर्टिलिटी दे आर इंक्रीज, यानी मिट्टी की उपजाऊपन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये उपजाऊपन कैसे बढ़ रहा है, बाय मिनरल खनिज, तो वहाँ पर जो सरफेस पर जो है दे आर फाउंड ऑफ मैनी मिनरल्स एंड मैनी बायोलॉजिकल एलिमेंट्स द सॉयल फर्टिलिटी दे आर इंक्रीज, यानी जहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर यदि खनिज तत्व अधिक है, पेड़ पौधे अधिक हैं, तो वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मृदा जलवायु की दशाओं में भूगर्भिक वनस्पति के साथ अनुकूलित होती रहती है और यदि इसका नियंत्रण दशा में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यदि हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, क्या चीज़ है यहाँ पर, यहाँ लिखा देखिए That means soil become of adjust to the condition of climate and landform and vegetation and the will of change internally when the this of controlling condition change. तो जैसे जैसे क्लाइमेट और ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारी चेंज होगी वैसे वैसे मिट्टी का प्रकार भी चेंज यानी होता रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सॉइल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी मिट्टी कैसे बनी। मृदा निर्माण और मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन फॉर द पेडोजेनेसिस डिपेंड्स फर्स्ट ऑन द वेदरिंग। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन का सबसे पहले क्या है, वेदरिंग अपक्षय। पिछली वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ व्हाट इज द वेदरिंग एंड टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अपक्षय क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा जो है वो स्टार्ट होता है पेडोजेनेसिस क्या है, वेदरिंग। ठीक है, ये अपक्षी परिवार मृदा निर्माण के मूल निवेश होते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इट इज़ द वेदरिंग ऑफ मेंटल ऑफ द वेदर्ड मटेरियल्स विच ऑफ द बेसिक इनपुट फॉर द सॉइल ऑफ फ्रॉम, यानी इससे जो है पहली ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें क्या मिल रहा है, सॉइल्स मिट्टी मिल रही है, एक लाइक चूरा, ठीक है, मिक्सचर हमें मिल रहा है रॉक्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी हम देखें इसके अंदर देखिए, फर्स्ट द वेदर्ड मेटल ऑफ ट्रांसपोर्टेड बाई डिपॉजिट ओवर द कॉन्सलेंट ऑफ द बैक्टीरियाज एंड अदर इन्फीरियर प्लांट्स बॉडीज एंड मोज एंड लिकेंस, यानी ठीक है यहाँ पर ये कह रहा है कि मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है, बहुत से पदार्थ के निक्षेप हो रहे हैं, बैक्टीरिया हैं और पौधे जैसे और लाइकन जैसे जो है वो उसमें क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उस कंटेंट के अंदर जमा हो रहे हैं। तो उसके बाद में देखिए, तो वेदरिंग के अलावा क्या है, कुछ बैक्टीरियल कुछ बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स है दे आर मर्ज टू द सॉइल्स, मिट्टी के अंदर मिल रहे हैं, मैनी मिनरल्स दे आर मर्ज ऑफ द सॉइल्स, यानी मिट्टी के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, मृदा निर्माण के कारक। ठीक है, यहाँ देखिए
सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, मृदा निर्माण कारक, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। इसमें भी देखिए आप सिर्फ फाइव फैक्टर्स हैं, क्लियर। फाइव फैक्टर्स में देखिए आप, अगर हम देखें आप तो पहला है पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड फिर उसके बाद बायोलॉजिकल, टाइम एंड उसके बाद में देखिए आप इस तरह से जो फाइव फैक्टर्स दे आर द मेजर फैक्टर दे आर दिस सॉइल फॉर्मेशन। तो इस तरह देखिए आप सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स मृदा निर्माण के कारक, ठीक है। दे आर फाइव फैक्टर्स ऑफ दिस फॉर्मेशन, पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एंड टाइम, ठीक है। मूल पदार्थ, प्राकृतिक, जलवायु, जैविक क्रिया और समय, दिस आर फाइव फैक्टर दे आर फॉर्मिंग ऑफ द सॉइल्स, मिट्टी का निर्माण इनके द्वारा होता है, ठीक है। फर्स्ट देखिए आप पेरेंट मटेरियल, ठीक है। पेरेंट मटेरियल में आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट मटेरियल इज द पैसिव कंट्रोल ऑफ फैक्टर इन द सॉइल्स फॉर्मेशन एंड पेरेंट्स मटेरियल कैन बी एनी इन सिल्ट और साइट ऑफ द वेदरेड ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो हमारा जितना जो चट्टान एक शैल का निष्क्रिय नियंत्रक कारक है और शैल कोई भी तो स्थान सितु उसी स्थान पर जो है अपेक्षित जो है शैल मलवा या लाए गए निक्षेपण हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा जो है पेरेंट मटेरियल यानी जो सॉइल्स किससे बन गई, पहले जो उसका जो मेजर एलिमेंट्स है वो क्या है, रॉक्स, पेरेंट मटेरियल, ठीक है। और जहाँ पर भी दे आर फाउंड ऑफ माउंटेन्स और प्लेटो दे आर मैनी क्रिएशन ऑफ द सॉइल्स, द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, जहाँ पर पर्वत पठार मैदान होंगे वहाँ पर आपको यहाँ पर ये सॉइल्स मिलेगा। तो दे आर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स ऑफ दिस रीजन, तो जहाँ पर भी पर्वत पठार मैदान आपको मिलेंगे वहाँ पर आपको मिट्टी अधिक मिलेगी। सेकेंड फैक्टर अ टॉपोग्राफी, स्लाकृतिक, ठीक है। इसमें देखिए आप यहाँ पर हम देखें तो दिस इज अ मेजर सेकेंड फैक्टर ऑफ टॉपोग्राफी। इसमें देखिए आप यहाँ क्या होगा, टोपोग्राफी इज लाइक पेरेंट मटेरियल इज द अनदर पैसिव कंट्रोल फैक्टर, ठीक है। यानी शैल की भांति स्लाकृति भी एक दूसरे निष्क्रिय नियंत्रक कारक है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारे यहाँ देखिए आप तुम्हारा टोपोग्राफी जहाँ पर भी क्या होगा, दे आर फाउंड ऑफ मैनी रॉक्स एंड माउंटेन्स एंड द प्लेट्यू एंड मैनी मार्क्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, यानी मिट्टी जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में हमको यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखिए इसमें, अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है। टोपोग्राफी हो गया, उसके बाद में क्लाइमेट, ठीक है। जैसे हम देखें बायोलॉजिकल फैक्टर क्लाइमेट में देखिए जलवायु, तो जलवायु क्या जहाँ पर भी जिस तरह की जलवायु हमें मिलेगी, दे आर फाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड दे आर फाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, ठीक है। तो जहाँ पर हमें अलग तरह की जलवायु मिलेगी वहाँ पर हमें अलग तरह की जो है मिट्टी हमें मिलेगी, तो दे आर फाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड द सॉइल्स। नेक्स्ट हम देखें इसमें, तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है डेजर्ट एरिया, ग्लेशियर्स, प्लेन्स एंड कोस्टल एरिया, दे आर फाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स। तो जिस तरह का क्लाइमेट होगा वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर वैसे ही आपको क्या मिलेगी, सॉइल्स मिलेगी। फिर देखिए बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारे को क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें हम बायोलॉजिकल फैक्टर में देखिए आप दिस वेजिटेशन कवर ऑफ ऑर्गेनिक डेट द ऑपिकाइज एंड द पेरेंट्स मटेरियल्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ऑल्सो ऑफ लेटर स्टेज हेल्प इन द एडिटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड द मॉइस्चर रिटेंट्स ऑफ द नाइट्रोजन ETC एंड डेड प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमस एंड द फाइनली ऑफ डिवाइडेड इंटू ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल सम ऑर्गेनिक एसिड विद फ्रॉम द डूरिंग द ह्यूमिनिफिकेशन एड्स एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ द मिनरल्स ऑफ सॉइल्स प्रेजेंट ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा है कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, तो वनस्पति आवरण और उसमें जीव जो मूल पदार्थ जो है मिट्टी में बाद में वो उसमें विद्यमान रहते हैं और जो मृत जो पौधे जो है वो जब मर जाते हैं तो जब वो मिट्टी में मिलते हैं तो उसका ह्यूमस जो है वो दे आर इंक्रीज वो बढ़ जाता है, ठीक है। और वहाँ पर भी क्या होगा, जहाँ पर भी अगर हमारा वेजिटेशन जहाँ पर कवर एरिया होगा वहाँ पर क्या होगा, दे आर मोर बैक्टीरियाज, मोर लाइकेंस एंड मोर ह्यूमस, ठीक है। तो दिस सॉइल्स आर दे आर मोर फर्टिलिटी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या है हमें उपजाऊपन अधिक मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज अ मेजर फैक्टर ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस जैविक क्रिया,
ठीक है, तो जहां पर भी ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा वहां पर क्या यार सॉइल्स आर मोर फर्टिलिटी यानी बहुत उपजाऊपन होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं टाइम्स लास्ट के अंदर, हम चलते हैं टाइम्स के अंदर जो इसका लास्ट फैक्टर है। देखिए आप तो इस टाइम्स के अंदर देखिए, टाइम इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो मिट्टी क्या है तो इसका मृदा निर्माण का तीसरा महत्वपूर्ण कारक है, और मृदा निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाले काल की अवधि में मृदा की परिपक्वता उसके पार्श्विकता का विकास निर्धारण करता है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द टाइम द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ऑपरेट द डिटरमाइंस, ठीक है, डिटरमाइंस ऑफ दिस वॉटर सॉइल्स बॉडीज। ठीक है, तो जितना भी हमारा जो लॉन्ग टाइम पीरियड जो होता है वो क्या है द क्रिएट ऑफ सॉइल्स। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा समय बढ़ेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या हमारे सॉइल्स के अंदर द इंक्रीज ऑफ फर्टिलिटी, द इंक्रीज ऑफ मिनरल्स, द इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द वास्ट प्लांट्स। ठीक है, तो इस तरह से टाइमिंग भी जो है धीरे धीरे जब हमारा क्या है मेजर फैक्टर ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, ये भी मृदा का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस तरह से जो है मृदा यानी सॉइल फॉर्मेशन हमारा ये टॉपिक पूरा हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन यदि मैं आपको बताऊँ आपको, ठीक है, तो यदि हम देखें तो सॉइल फॉर्मेशन का ये जो हमारा ये आज टॉपिक पूरा हो चुका है, ये चैप्टर भी जो है हमारा है आज पूरा हो चुका है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।